today we are going to discuss our next topic that is hello dear students today we are going to discuss our next topic that is beyond the frontier and this topic is on page number 248 and today we are going to discuss topic from page number 248 to 251 and this is the last video of this chapter and uh, after this video our chapter Will be finished. So let's start the topic. तो so, हमने uh, Beyond the Frontier के बारे में पढ़ा था जिस uh, start किया था जिसमें हमने पहले ये पढ़े थे कि जो राजा महाराजा थे उन्हें कुछ titles दिए जाते थे जैसे शहनशाह के बारे में हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा शाहजहाँ के बारे में हमने पढ़ा तो ये टाइटल्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सफाविद एंड कंधार तो कंधार जो है वो एक प्लेस है जो अफ़गानिस्तान की एक जगह है उसे कंधार कहा जाता है पहले भी हम इस कंधार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लिटिल बिट एंड सफ़ाविद सफाविद के बारे में भी हम जानते हैं सफाविद मतलब जो ईरान के रूलर थे ईरानियन रूलर जिन्हें कहा जाता था तो इस इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कहते हैं कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो चल रहा था ना वो मुगल किंग और नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे तुरान हो गया ईरान हो गया उनके बीच में चल रहा था क्या हो रहा था कि इनका ना एक आपसी बहस चल रही थी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर किसके ऊपर हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर क्या था कि जो अफगानिस्तान था वो हिंदू कुश माउंटेन यानी जो कंधार था वो ईरान सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को क्या कर देता था सेपरेट कर देता था क्या कर देता था सेपरेट कर देता था अगर किसी ने नॉर्थ इंडिया में एंटर करना है सेंट्रल uh, एशिया से या ईरान से तो उसे अफ़गानिस्तान से क्रॉस होकर आना पड़ता था तो इस तरह से वो नॉर्थ इंडिया में एंटर कर सकता था तो एक कन्फ्लिक्ट uh, चल रहा था इनके ऊपर सफाविद कह रहे थे कि जो कंधार है वो हमारा है और जो मुगल्स कह रहे थे वो कह रहे थे कि वो कंधार जो है uh, हमारा है तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो सबसे पहले जो इनिशियली कंट्रोल था काबुल और कंधार के ऊपर वो मुगल्स का था इसका था मुगल्स का था तो हमने ये याद रखना है कि इनिशियली जो कंट्रोल था काबुल और कंधार के ऊपर वो मुगल्स था और मुगल्स और सफाविद यानी इरानियन रूलर के बीच में हमेशा ही ये बहस चलती रहती थी कि जो कंधार है वो उनका है तो कंधार के ऊपर हमेशा ही कंटेंशन चलती रहती थी किसकी सफाविद और मुगल्स की तो इनिशियली जो इसके कंट्रोल था पजेशंस थी वो हुमायूं की थी हम जानते हैं हुमायूं को और ये क्या था एक फोर्ट्रेस टाउन था क्या टाउन था फोर्ट्रेस टाउन फोर्ट्रेस टाउन हमने फोर्टिफिकेशन तो पढ़ा ही है उसी से ये बना है फोर्ट्रेस टाउन ऐसा टाउन जिसकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उस पर अटैक करना ईज़िली नहीं होता ठीक है जी तो ये फोर्ट्रेस टाउन था कंधार तो उसकी जो इनिशियली पजेशंस थी वो किसके पास थी हुमायूं के पास थी फिर क्या हुआ था इस पोजेशन्स को हुमायूं के द्वारा खो दिया गया था मतलब ये जो हुमायूं के बाद का टाइम और अकबर के टाइम इन दोनों के बीच का जो टाइम था उस टाइम पे कंधार जो था वो मुगल्स के पास नहीं था तो अकबर ने इस कंधार एरिया को फिर से हासिल कर लिया था 1595 में तो एम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिफ्टीन से फिर कम सिक्सटीन थर्टीन में क्या हुआ था जहांगीर जहांगीर ने क्या किया था अपना एक डिप्लोमेटिक एनवॉय भेजा था डिप्लोमेटिक हमें पता है जब हम फॉरेन रिलेशन बनाना बनाते हैं तो उसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कहा जाता है डिप्लोमेटिक एनवॉय मतलब ऐसा दूत या ऐसा मैसेंजर जो इस रिलेशन को मेंटेन करता है तो जहांगीर ने अपना डिप्लोमेटिक एनवॉय भेजा किसके पास शाह अब्बास के पास किसके पास शाह अब्बास के पास और उसे यह कहा कि जो कंधार है वो हमारी पजेशन है हमारा एरिया है लेकिन ये जो मिशन था वो फेल हो गया था क्या हो गया था फ़ेल हो गया था यानी शाह अब्बास इस बात पे अग्री नहीं करता था फिर 1622 की विंटर में पर्शियन आर्मी जो थी उसने कंधार पे जब जिस टाइम पे ये मुगल्स के पास था कंधार तो उसके उसके ऊपर क्या कर लिया था इन्होंने बिसाइड कर लिया था बिसाइड्स मतलब घेराबंदी कर लेनी उसको चारों तरफ से घेर लेना तो किसने कर लिया था पर्शियन आर्मी ने ये एक सडन हुआ था जो बिसाइड हुआ था तो इसके लिए जो मुगल्स थे वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे यानी वो इपेयर थे और उस वजह से वो क्या थे इस आ, अटैक से हार चुके थे और उन्होंने जो सरेंडर था कर दिया था कंधार को सफाविद के यानी अब जो कंधार था वो सफाविद के हवाले था तो ये थी कंधार और सफाविद की कहानी जो बियॉन्ड द फ्रंटियर टॉपिक में हमने कंसीडर की एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ क्या था कहता है कि जो सफ़ाविद था उसका हमेशा ही मुगल वैसे उसके रिलेशन जो थे मुगल के साथ बहुत अच्छे चल रहे थे लेकिन फिर भी उसका हमेशा से कन्फ्लिक्स या कॉन्ट्रवर्सी चलती रहती थी मुगल्स के साथ कंधार के ऊपर कंधार एक अफगानिस्तान की जगह है और हिंदू कुश माउंटेन जो है वो जैसा सबसे बड़ा माउंटेन है वो माउंटेन अफगानिस्तान ईरान और सेंट्रल एशिया को सेपरेट करता था तो किसी ने अगर नॉर्थ इंडिया में एंटर करना था तो उसे अफ़गानिस्तान को क्रॉस कर कर ही क्या करना पड़ता था नॉर्थ इंडिया में एंटर करना पड़ता था लेकिन कहाँ से ईरान या सेंट्रल एशिया से तो पहले जो आ, मुगल्स के पास था काबुल और कंधार और उसके ऊपर जो सबसे पहली पोजिशन थी वो हमायू की थी और ये जो एरिया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया था जिस पर अटैक ईजीली नहीं किया जा सकता फिर बीच में कुछ टाइम पे ये जो जगह थी मुगल्स के पास नहीं थी अकबर ने इसे फिर से हासिल किया था 1595 में 1613 में जहांगीर ने एक अपना मैसेज भेजा था शाहबाज़ को यह कहा था कि कंदार हमारा है लेकिन वो मिशन फेल हो गया था फिर 1622 में पर्शियन आर्मी ने अटैक किया लेकिन मुगल्स इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो हार गए थे और कंधार को सरेंडर कर दिया था उन्होंने सफावेद को आई होप आपको ये समझ आया होगा नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑटोमन पिलग्रमेज एंड ट्रेड ऑटोमन के बारे में हमने प्लस वन में पढ़ा था जब हमने वर्जेंटाइन अम्पायर के बारे में पढ़ा था तो हमने ऑटोमन्स के बारे में ही पढ़ा था ऑटोमन जो था वो बहुत ही बड़ी डायनेस्टी थी जिसमें टर्किश एम्पायर्स भी इंक्लूडेड थे तो वही ऑटोमन की बात करेंगे तो ऑटोमन और मुगल्स का हमेशा से ही क्या रहा था गुड रिलेशंस रहा थे क्या रहे थे अच्छे रिलेशंस रहे थे और इसी रिलेशंस के बेसिस पे ना वहाँ उन मतलब इनके एरिया में फ्री मूवमेंट्स होती थी मर्चेंट्स की और पिलग्रिम्स की यानी तीर्थ करने वाले लोग और मर्चेंट्स जो थे वो इजीली इधर उधर जा सकते थे ऐसी टेरिटरीज़ में जो ऑटोमन के कंट्रोल में थी हिजाज के लिए जो साउथ अरेबिया अरेबिया का एक पार्ट है वेस्ट पार्ट है जो ऑटोमन के अंडर आता था वहाँ पे एक दो पिलग्रीम सेंटर्स थे मेन मक्का एंड मदीना जिसको हमने सेंट्रल इस्लामिक लैंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था मक्का एंड मदीना जो मुस्लिम पिलग्रीम सेंटर है जहाँ से हज की यात्रा जो थी की गई थी प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा तो आ, मक्का एंड मदीना पिलग्रीम सेंटर्स हैं और इस सेंटर्स पे आने के लिए जो थे लोग थे उन्हें बड़ी फ्रीली मूव करना करने दिया जाता था ऑटोमन्स के द्वारा और मुगल्स और ऑटोमन का आपसी जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था तो मुगल्स क्या करते थे रिलीजियंस और रिलीजियस एक्टिविटी और कॉमर्स एक्टिविटी को कंबाइन करते थे कैसे करते थे चीज़ों को यानी मर्कडाइज थिंग्स जो होती थी जो अव... ट्रेडिंग थिंग्स होती थी उसे एक्सपोर्ट किया करते थे वो एडन और मोखा में एडन और मोखा रेड सी पोर्ट्स को कहते हैं किसको कहते हैं दो रेड सी पोर्ट्स हैं ये भी एम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा तो आ, मुगल्स ने क्या किया कि रिलीजन और कॉमर्स को कंबाइन कर दिया था और जो मर्कंडाइज थिंग्स होती हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया था एडन और मोखा में और जो सेल तो से इनकम होती थी उस सेल की इनकम को वो एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे किन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे श्राइन्स के कीपर को यानी जो दरबारों की सेवा करते थे या उनका देख रेख करते थे तो उन्हें वो चैरिटी के रूप में दिया करते थे क्या तो दिया करते थे जो सेल्स उनको होती थी मतलब वो जो सेल्स करते थे उससे जो इनकम होती थी वो उसे एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे लेकिन एक टाइम में औरंगजेब ने ये पाया कि जो ये चैरिटी के नाम पे सेल्स प्रोसीड्स की जा रही थी उसमें मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा था मतलब जो फंड्स था वो चैरिटी के लिए नहीं भेजा जा रहा था बल्कि अरेबिया में किसी और पर्पज़ के लिए भेजा जा रहा था ये बात औरंगजेब को पता चल गई तो उसने ये जो सिलसिला था वो बंद करवा दिया था और उसने फिर इंडिया में ये सारी की सारी चैरिटी करनी स्टार्ट कर दी थी तो यही हमारा टॉपिक था ऑटोमन और पिलग्रिम्स एंड ट्रेड के बारे में इसमें हमने क्या पढ़ा इसमें से कुछ नहीं था कि जो ऑटोमन डायनेस्टी के अंडर एरिया आता था वहाँ नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नाइन पॉइंट थ्री एंड दॉपिक नेम इज़ जूसिट्स एट मुगल को जूसट्स मतलब ऐसे लोग जो क्रिस्टानिटी को एक्सपेंड uh, करते हैं Christianity को क्रिस्टैनिटी को यानी क्रिस्चन धर्म को फैलाते हैं उन्हें जिसट कहा जाता है तो अब बात करेंगे कि जो जूसिट थे यानी जूसिट पीपल थे तो वो मुगल कोर्ट कैसे आ गए तो जूसट्स कौन हो गए जो क्रिस्टानिटी एक्सपेंडर हो गए तो यूरोपियंस को मुगल्स के बारे में कैसे पता चला यूरोप के लोगों को मुगल्स के बारे में कैसे पता चला वो पता चला उन्हें जूसट्स अकाउंट्स के द्वारा यानी जूसट्स जो अपनी बुक्स लिखते थे आ, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या पता चला आ, मुगल कोर्ट के बारे में पता जैसे किताबें लिखी गई या उनकी बातें लिखी गई जूसट्स मिशनरीज द्वारा ट्रैवलर्स द्वारा मर्चेंट्स द्वारा या डिप्लोमैट्स द्वारा तो इस तरीके से यूरोपियंस को मुगल के बारे में पता चला था तो फिफ्टीन सेंचुरी में क्या हुआ था पॉर्तिज मर्चेंट थे उन्होंने ये सोचा कि वो अपना ट्रेड नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे कोस्टल सिटीज में फिर जो पॉर्तिगूज किंग थे वो ये चाहते थे जो क्रिस्टानिटी है उसको इंडिया में भी एक्सपेंड किया जाए और सिक्सटीन सेंचुरी में उन्होंने एक मिशन चलाया मिशन टू इंडिया जिसके थ्रू बाय ट्रेड एंड एम्पायर उन्होंने इंडिया में एंट्री की और जैसे ही हमारे उस टाइम रूलर चल रहे थे अकबर यानी अकबर का रूल चल रहा था तो हमें पता ही है कि अकबर जो थे वो हर रिलीजन के रिस्पेक्ट करते थे और हर रिलीजन के बारे बारे में जानने के लिए वो ईगर रहते थे क्यूरियस रहते थे तो उन उन्होंने क्या कर दिया क्रिस्टानिटी के लिए गोवा को एम्बेसी के रूप में दे दिया और वहाँ पे जूस ने आना शुरू कर दिया यानी जूस ने विज़िट किया तो जो फ़र्स्ट जूसिट थे जो फ़तेहपुर सिकरी में आए थे 1580 में आए थे तो एम सी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे डेट्स तो पहले जो जूसिट आए थे अकबर के पास वो 1580 में आए थे और फतेहपुर सिकरी में आए थे और दो सालों के लिए वो क्या रहे थे अकबर के पास रहे थे और अकबर के कोर्ट में वो उनके साथ ही बैठा करते थे मतलब बगल में बैठा करते थे और जो वो त... आ... ये जूसिड थे वो अकबर को क्रिस्टानिटी के बारे में बहुत बातें बताया करते थे और साथ ही साथ उस कोर्ट में जो उलामा हुआ करते थे उनके साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो जाती थी उलामा ऐसे लोगों को कहा जाता है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसे लोगों को उलामा कहा जाता है जो पूरी तरह से शरिया को फॉलो करते हैं यानी मुस्लिम इस्लामिक लॉ जो है उसे फॉलो करते हैं तो उनके साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो जाती थी दो मोर मिशन और आए थे क्रिस्टानिटी uh, को एक्सपेंड करने के लिए उस टाइम जो लाहौर था वो इंडिया का ही पार्ट था तो दो मोर मिशन आए थे uh, मतलब दो मोर जूस मिशन आए थे इंडिया में क्रिस्टानिटी को एक्सपेंड करने के लिए एक आया था 1591 में और एक आया था 1595 में बहुत ही ईजी टॉपिक है कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में बहुत ही आसान टॉपिक है और फिर क्या हुआ था uh, इस तरह से जो जूसिट थे वो क्रिस्टानिटी को इंडिया में एक्सपेंड करने लगे अब हम चलेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ एंडिंग की तरफ दैट इज टेन टॉपिक एंड द क्रिश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन कि फॉर्मर रिलीजन पे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो रही थी तो हम वेल नोन हैं कि रूलर जो थे अकबर मुग़ल रूलर जो थे अकबर वो हर रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो किया करते थे ऐसे ही उन्होंने क्रिस्टानिटी को भी बहुत ही रिस्पेक्ट दी थी उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही बढ़ गया मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो उनके विश्वास को दिखा रहा था जितना वो क्रिस्टानिटी के बारे में जानने के लिए ईगर हो गए थे क्यूरियस हो गए थे उससे उनके फेथ के बारे में पता चल रहा था कि वो क्रिस्टानिटी पे फेथ करने लग गए हैं और इसी में वो क्या करवाया करते थे इंटर फेथ डिबेट करवाया करते थे यानी डिफरेंट रिलीजन पीपल्स को आ, अपने इबादत खाना में बुलाया करते थे जो फ़तेहपुर सिकरी में बना हुआ है और वो सारे मिलकर क्या किया करते थे इंटरफेयर डिबेट किया करते थे अपने अपने धर्म को बताया करते थे क्वालिटीज़ बताया करते थे और एक दूसरे के धर्म के ऊपर वो वाद विवाद किया करते थे तो एक पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है लेट मी शो यू ये पिक्चर देखिए ये आ, डिबेट वाला आ, एरिया है जहाँ पे डिबेट की जा रही थी जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के पीपल बैठा करते थे और डिबेट किया करते थे तो ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक में दी हुई है टू फाइव वन पेज नंबर पे तो ऐसी जो डिबेट्स थी वो अकबर क्यों किया करते थे इसलिए करवाया करते थे और इस डिबेट में मेनली कौन कौन बैठा करते थे मुस्लिम्स हिंदूज जैनाज पर्से पारसीज एंड क्रिश्चियंस ये लोग बैठा करते थे और ये डिबेट जो अकबर थे वो क्यों करवाया करते थे और बड़े इंटरेस्ट से करवाया करते थे इसलिए ताकि उनको डिफरेंट रिलीजन की जो नॉलेज है वो गेन हो सके और वो हर रिलीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट और हर रिलीजन को बहुत अच्छे से जानना चाहते थे तो इस वजह से वो लोग जो अकबर थे वो डिबेट करवाया करते थे डिफरेंट काइंड के रिलीजियस पीपल में कि यही रीज़न था कि वो हर रिलीजियस व्यू के सेक्टर को जानना चाहते थे उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे तो जैसे जैसे उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम कहेंगे कि ग्रोअप होने लग गई थी इंक्रीज़ होने लग गई थी उनके जो व्यूज़ थे वो ब्रॉड हो गए थे वो ऑर्थोडॉक्सी व्यूज से काफ़ी ज़्यादा हट चुके थे जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी थे जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट तरह से इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया करते थे दूसरे नज़रिया से नहीं देखा करते थे लेकिन अकबर ऐसे नहीं थे उन्होंने मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी या हम कहेंगे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी व्यूज से हटना शुरू कर दिया था इसी वजह से तो उन्होंने वो टैक्स हटाए थे एक पिलग्रिम पिलग्रिमेज टैक्स और एक जिजिया तो ये दो टैक्स जो थे वो उनकी सोच के कारण यानी उनकी जो सोच थी वो चेंज हो गई थी इनोवेटिव सोच हो गई थी वो काफ़ी ब्रॉड सोचने लग गए थे और उन्होंने ये जो टैक्सेस थे वो हटाने शुरू कर दिए थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मानने लग गए थे कि जो डिवाइन है वो इन द फॉर्म ऑफ सन एंड लाइट है यानी सन एंड लाइट की फॉर्म में हमें भगवान की कृपा हो रही है वो भगवान के पूजा करने में बिलीव करने लग गए थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो सुप्रीम सवरिनेटी है यानी जो किंग होते हैं वो भी एक क्या है डिवाइन एसोसिएटेड पीपल हैं जैसे हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं और पब्लिक को विश्वास देने वाले लग गए थे उन्होंने ये कहा था कि ये हमें जो है वो भगवान ने भेजा है आप लोगों की सेवा के लिए और उसी शक्ति से हम अपने एनिमीज़ के ऊपर कंट्रोल पा सकते थे तो ये सारी बातें जो थी अकबर ने अपने माइंड में भी और पब्लिक के माइंड में भी बिठा दी थी और उनका जो फेथ था सन एंड लाइट में एज गोड वो इंक्रीज़ होता गया था तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है काफ़ी लेंदी चैप्टर था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था आज ये फिनिश हो गया कल से हम अपनी नई और लास्ट पार्ट जो है बुक का वो स्टार्ट करेंगे और इससे पहले आप अपना पेंडेंसी वर्क जो है वो कंप्लीट कर लें इसी चैप्टर को जल्दी फिनिश करने के लिए जो मैंने आपकी संडे क्लास लगाई थी सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है लेट मी नो अबाउट दिस वी विल डिस्कस लेटर एंड डू यर वर्क टाइमली डोंट वगैट टू प्रे फॉर एवरी वन एंड बी सीवियस रिगार्डिंग योर स्टडीज बिकॉज योर बोर्ड आर कमिंग नियर एंड नीयर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल दैन टेक केयर थैंक यू